खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केशकांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बिलासपुर दौरा, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के नाम से किया गया भव्य आयोजन। झंडुता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का 2 दिवसीय सराज दौरा हुआ समाप्त। दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल ने विभिन्न कार्यक्रमों में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। थुनाक की झुंडी पंचायत में हरियाली पौधारोपण अभियान का किया शुभारंभ। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। कुल्लू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सूद ने बताया कि ढालपुर में अदालत में आने वाले अधिवक्ताओं के लिए चैंबर की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। कुल्लू बार एसोसिएशन के द्वारा जनरल हाउस आयोजित किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और एक बार फिर से पुरानी कार्यकारिणी को काम करने का मौका दिया जाएगा। हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार की 116वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी और नगर पालिका द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष तौर पर मौजूद रहे, वहीं इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को भी कार्यक्रम में स्थानीय बधाई दी है। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि वर्तमान समय में जो हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है वो दिवंगत डॉक्टर YS परमार की दूरगामी सोच का नतीजा है। जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए निरोग जीवन की ओर लोगों को अग्रसर करने के लिए रामपुर में कृषि और पशु सखियों को पशुपालन के टिप्स दिए जा रहे हैं। इस दौरान पशुओं को सड़कों पर लावारिस ना छोड़ने के लिए भी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर YS परमार के 116वें जन्मदिन पर शिमला के रिज मैदान पर जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य विधायकों और स्थानीय लोगों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टर YS परमार का हिमाचल प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इन दिनों मॉनसून के सीजन में चंबा जिला के अलग अलग इलाकों में पौधारोपण को लेकर अलग अलग विभाग कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा ने वन विभाग से पौधे की मांग की है। अश्विनी ठाकुर ने कहा कि हमारे खंड विकास कार्यालय के अंतर्गत 53 पंचायतें आती हैं, जहां हम लोग 20,000 के करीब पौधे लगाने जा रहे हैं। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा ग्राम पंचायत शासन के झनियारी में डीसी हमीरपुर दोबाग श्वेता बनिक की अध्यक्षता में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसीएफ 1 हमीरपुर मंडल निशांत चौधरी, एसी 2 डीसी पवन कुमार शर्मा सहित वन विभाग के कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
मंडी जिला में एनएच 21 चंडीगढ़ मनाली पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। धनुजू के समीप जीप और बुलेट में जोरदार टक्कर होने से 23 वर्षीय दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल धनुजू थाना की पुलिस जांच में जुटी है। वहीं दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा दो दिवसीय स्वराज दौरे के थुनाग दौरे के दौरान अंतिम दिन विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की गई है। राज्यपाल ने मंडी जिले के थुनाग उपमंडल के तहत झुंडी पंचायत के बाड़ा ग्राउंड में टेक्सस व काटा का पौधारोपित कर हरियाली पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ राज्यपाल ने रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा थुनाग में आयोजित रक्तदान शिविर में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रक्तदान शिविर में कुल 63 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया है। वहीं राज्यपाल ने गरीब और पात्र व्यक्तियों को 10 व्हीलचेयर, 2 बैसाखियां और 1 वॉकिंग स्टिक भी भेंट की है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र कुमार ने रजत ठाकुर से सवाल करते हुए कहा कि वो बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कहां पर विकास हो रहा है। राजेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और हर वर्ग आज भाजपा से आहत है। वहीं सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। नाहन में सर्व कर्मचारी पेंशन और युवा बेरोजगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा मीडिया से रूबरू हुए, जिस दौरान उन्होंने भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्या के समाधान को लेकर नाकाम साबित हुई है। गोपाल दास वर्मा का कहना है कि भाजपा की जयराम सरकार मिशन रिपीट के दावे कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर हिमाचल आ जाएं तो भी कर्मचारी और पेंशनर मिशन रिपीट को सफल होने नहीं देंगे। पांवटा साहिब के शिवा पंचायत के अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय सुनोग में स्कूल की बिल्डिंग को रस्सियों से बांधकर रखा गया। 2 वर्ष पहले स्कूल पर मलबा गिरने की वजह से स्कूल के 3 भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। मुख्य अध्यापक ने बताया कि भवन के लिए लगभग 65 लाख रुपए स्वीकृति हो चुकी है। जैसे ही आगे का प्रोसेस होगा कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। होम्योपैथिक कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपना रोष प्रकट किया और सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए डॉक्टरों ने सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। होम्योपैथिक कल्याण संघ का कहना है कि आयुष विभाग द्वारा डॉक्टरों की 25 सालों से सरकार अनदेखी कर रही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर मंडी जिला के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया है। वहीं मलबा गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वहीं मंडी के एसपी आशीष शर्मा ने बताया कि मलबा हटाने का कार्य जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोपहर तक सड़क को यातायात के लिए पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। होम्योपैथिक कल्याण संघ ने कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टरों की मांग है कि प्रदेश के प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। पांवटा साहिब के सलवाला से सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। अनियंत्रित होकर एक निजी स्कूल बस नहर में गिरी है। हादसे में फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं घटना का भी एक वीडियो सामने आया है।
वन विभाग ने पौधारोपण समेत वनों के संरक्षण में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने का ऐलान किया है। वहीं वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने इन पुरस्कारों में बांदरबाट का आरोप लगाया है और इन अवार्ड को वापस लेने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठों की पार्टी है और इसमें रामलाल ठाकुर का पहला स्थान है। प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह सरकार और जयराम ठाकुर सरकार की तुलना करें तो जयराम सरकार ने अभी तक अपने कार्यकाल में करोड़ों का कर्ज लिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुए गोविंद सागर झील हादसे में जहां पंजाब से संबंध रखने वाले 7 युवकों की जान चली गई तो वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय ने स्थानीय लोगों और बिलासपुर से होकर गुजरने वाले पर्यटकों से गोविंद सागर झील, कोल डैम और अन्य बरसाती खड्डों के समीप न जाने की अपील की है। प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने थुनाग में स्थानीय महिला मंडल प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक मुलाकात की और प्रदेशवासियों से पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि अभियान के तहत सभी अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और राष्ट्रीयता के इस उत्सव में हर हिमाचलवासी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। चंबा के सलूनी क्षेत्र में एक चालक को अपने बाइक कंधों पर उठाकर ले जानी पड़ी। इसके लिए एक साथी का सहारा लेना पड़ा और दोनों ने एक लकड़ी के डंडे के सहारे बाइक को कंधे पर उठाकर कुछ दूरी तय की है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि भूस्खलन होने के कारण सड़क पर मलबा गिरने से मार्ग बंद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने बाइक को एक डंडे पर बांधकर अपने कंधे पर उठाकर आगे ले जाने का निर्णय लिया। रणवीर सिंह न्यूड फोटोशूट की वजह से मुंबई में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच पेटा ने न्यूड फोटोशूट के लिए रणवीर को इनवाइट किया है। बॉलीवुड एक्टर अली अफजल और ऋचा चड्ढा 7 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद सितंबर 2022 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जानकारी के अनुसार इससे पहले दोनों कपल साल 2020 में शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते दोनों ने अपनी शादी को आगे बढ़ा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कपल शादी सितंबर में एक प्राइवेट सेरेमनी में करेंगे। वहीं शादी में सिर्फ कपल के परिवार के लोग, रिश्तेदार और उनके बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।